दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख वायरस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र एक के भारतीय समाज खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करें। कोरोना वायरस और सामाजिक उत्तरदायित्व। दुनिया में महामारी के आने और जाने का लंबा इतिहास रहा है। भारत भी कई दफा महामारियों का गवाह बना है। इससे भारत को अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन का नुकसान भी उठाना पड़ा है। कोरोना वायरस के रूप में उपजी हालिया महामारी भी भारत को डैमेज कर रही है। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक ऐसे दृष्टिकोण, ऐसी व्यवस्था और ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो मुहिम को सफल बनाने में सक्षम हो। लेकिन ऐसे मुहिम तभी सफल हो पाते हैं जब नेतृत्व को समाज का साथ मिले। COVID-19 के तेज प्रसार के चलते केंद्र सरकार ने देश भर में पहले 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। इसके बाद अब इसे बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। फेक न्यूज का प्रसार, गरीबों के पोषण की चिंता और तेजी से फैल रही महामारी का दुष्चक्र, 3 ऐसी चुनौतियां हैं जिन्होंने शासन और प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ऐसे में इस मुहिम को सफल बनाने के लिए नागरिक समाज को आगे आना अनिवार्य हो जाता है। नागरिक समाज से इस बात की अपेक्षा बढ़ जाती है कि वह न केवल शासन प्रशासन का सहयोग करे बल्कि समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। फिर सवाल है कि एक समाज के रूप में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। सवाल है कि समाज की इच्छा शक्ति से किसी महामारी को कैसे मात दी जा सकती है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी एक विमर्श है कि समाज के प्रति सरकार, प्रशासन, उद्योगपतियों आदि की क्या जिम्मेदारियां हैं। जाहिर है सभी एक दूसरे से परस्पर जुड़े हैं। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता से 7 बातों पर साथ मांगा है। आइए इन सब पहलुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फेक न्यूज़ को रोकने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। किसी भी मुहिम या लड़ाई की सफलता के लिए यह जरूरी होता है कि प्रत्येक धरातल पर उसको समर्थन मिले। समर्थन किस प्रकार का हो यह मुहिम की प्रकृति पर निर्भर करता है। कोरोना वायरस को मात देने की मुहिम को भी कई तरह के समर्थन की दरकार है। लेकिन देश भर में अफवाहों का बाजार गर्म होने से इस मुहिम की राह में कई अड़चनें आ रही हैं। अफवाहों का ही नतीजा है कि लोग या तो इस बीमारी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर क्वारंटाइन में रखे लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसी खबरें आई हैं जब जांच के लिए हॉस्पिटल लाए गए संदिग्ध भाग खड़े हुए। रांची के रिम्स से 29 संदिग्ध के भाग जाने की खबर आई थी। इसी तरह इंदौर के एक इलाके में कोरोना की जांच के लिए गए स्वास्थ्य कर्मियों पर लोगों ने पत्थर बरसा दिए। ऐसे में सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचनी तय हैं। सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर फैली अफवाह इन घटनाओं की मुख्य वजहें हैं। अफवाहों के चलते कोरोना के संदिग्ध क्वारंटाइन को इलाज की प्रक्रिया का हिस्सा न समझकर खुद के किसी हिरासत में चले जाने जैसा समझ रहे हैं और यह सब अभिव्यक्ति की आज़ादी की आड़ में फेक न्यूज़ परोसकर किया जा रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है और इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिए एक दशक पूर्व उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन आए दिन इस अवसर का दुरुपयोग भी हो रहा है। अफवाह केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि स्थानीय स्तर पर भी फैलाए जा रहे हैं। इससे लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। इसी का नतीजा है कि लोग अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं जिससे कोरोना पीड़ितों की सही संख्या का पता लगाने में सरकार को परेशानी हो रही है। एक सामाजिक प्राणी के रूप में हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, समझना होगा कि फेक न्यूज़ कोरोना से लड़ने वाली मुहिम को कमज़ोर कर रही है। इसलिए न केवल खुद के स्तर पर किसी अप्रामाणिक खबर को साझा करने से बचना होगा बल्कि दूसरों को भी इससे रोकने की जद्दोजहद करनी होगी। यह भी समझना होगा कि किसी एक समस्या का सुलझ जाना कई राहें खोल देता है। संदिग्धों का सामने आना इतना महत्वपूर्ण है कि इससे कोरोना के खिलाफ मुहिम की भावी रणनीतियां तैयार की जा सकती हैं। सरकार और एजेंसियों को सही तस्वीर का पता न होना मुहिम को कमज़ोर कर देने जैसा है। जब तक सरकारों से मामले छुपाए जाएंगे न दशा का पता चलेगा और न दिशा हम तय कर पाएंगे। मामले छुपाने की प्रवृत्ति खत्म होगी तो कोरोना पीड़ितों का एक डेटाबेस तैयार हो सकेगा। इस खतरनाक वायरस से पीड़ित हो रहे लोगों के उन तरीकों का पता चलेगा जिनसे वे प्रभावित हुए होंगे। फिर उन पीड़ितों की प्रकृति और दूसरे आयामों का पता चलेगा। आइए अब जानते हैं कि गरीबों के प्रति समाज की क्या जिम्मेदारियां हैं।
देश भर में लॉकडाउन होने के बाद दिहाड़ी मजदूरों और दूसरे गरीब कामगारों के सामने आई समस्या किसी से भी छिपी नहीं है। दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों के पलायन का मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा था, लेकिन इस बाबत कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। गौर करने वाली बात है कि दिहाड़ी मजदूरों को मजदूरी न मिलने की चिंता में अपने घर वापस जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास वर्क फ्रॉम होम की सुविधा का विकल्प नहीं है। भारत में नौकरियों, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल इत्यादि का व्यापक पैमाने पर अनौपचारिक होना बड़ी चिंता का सबब है। इसकी एक बानगी हमें हाल ही में दिल्ली में देखने को मिली। यहाँ कामगार असहाय जीवन जीने को मजबूर हैं। मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की सुरक्षा से ज़्यादा इस बात की फिक्र थी कि चालू महीने का किराया न फंस जाए और वे उनके ऊपर बोझ न बन जाएं। लिहाजा उनकी प्राथमिकता यह रही कि जल्द से जल्द उन्हें घर से खदेड़कर अपना मकान मुक्त करा लिया जाए। ऐसे ही छोटे कारोबारियों ने अपने यहाँ के कामगारों को सीधे चलता करने में भलाई समझी, ताकि उन्हें बैठाकर वेतन देने की मजबूरी न झेलनी पड़े। दरअसल एक समाज के तौर पर यह सब कुछ जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा है। एक नागरिक के तौर पर हमें सामाजिक सहयोग के लिए तत्परता दिखाने की ज़रूरत है। दरअसल केवल कुछ व्यक्तियों का किसी बाहरी आपत्ति से भयभीत होकर साथ होना मात्र ही समाज नहीं है, बल्कि समाज एक उद्देश्यपूर्ण समूह होता है जो किसी एक क्षेत्र में बनता है। उसके सदस्य एकत्व एवं अपनत्व में बंधे होते हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आर्थिक सहयोग देने के लिए सामने आ रही हैं। कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी जागरूकता फैलाने से लेकर राहत सामग्री बांटने तक हर संभव तरीके से इस कार्य में योगदान कर रहे हैं। औद्योगिक इकाइयां भी खुलकर सामने आ रही हैं। सरकार ने कहा है कि ये कंपनियां जो भी खर्च करेंगी उन्हें कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत योगदान माना जाएगा। दरअसल औद्योगिक इकाइयों द्वारा समाज और पर्यावरण के लिए सकारात्मक कार्य करना कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कहलाती है। इसके तहत इकाइयां गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए काम करती हैं। इन इकाइयों को अपने पिछले 3 सालों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% खर्च करना होता है। बड़ी कंपनियां इस नाजुक वक्त में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं। आइए अब जानते हैं कि महामारी को रोकने में एक समाज की क्या भूमिका है। 14 अप्रैल को देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने समाज की भूमिका के तरफ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर संकेत किया है। इस संदर्भ में उन्होंने जिन 7 बातों का जिक्र किया उनमें से कुछ इसी पर बल देते हैं। प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की बात कही है। उन्होंने जोर देते हुए देश की जनता से आह्वान किया कि जितना हो सके गरीब परिवार की देखरेख करें, उनकी भोजन की आवश्यकता पूरी करें। उन्होंने यह भी कहा कि व्यवसायी और औद्योगिक जगत अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के प्रति संवेदना रखें और उन्हें नौकरी से न निकालें। इसके साथ ही उन्होंने देश के डॉक्टर्स, नर्सेज, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी का आदर करने की अपेक्षा की। प्रधानमंत्री की ये बातें उन छोटे कारोबारियों, मकान मालिकों के लिए सीख है कि अब से भी वे अपने सामाजिक दायित्वों को समझें। साथ ही सामाजिक इकाई के तौर पर हम सभी को अपने नेतृत्व का साथ निभाने का बीड़ा उठाना होगा। दरअसल हर एक सामाजिक इकाई की अपनी एक जिम्मेदारी है। इस इकाई में मजदूर, बिजनेसमैन, स्वास्थ्यकर्मी, मीडियाकर्मी, बैंककर्मी आदि सभी का अपना कर्तव्य है। संकट के समय जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना भी एक बड़ी मदद है। प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़ी इन बातों के प्रति छोटी मोटी सावधानियां बरतकर हालात को बदतर बनने से हम रोक सकते हैं। स्वास्थ्यकर्मी रोगियों की सेवा कर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मीडियाकर्मी इस संकट की घड़ी में हम तक खबर पहुंचाते हैं और ज़रूरी हिदायत देकर हमें समय समय पर सचेत करते रहते हैं। महामारी को रोकने में यह भी एक बड़ा योगदान है। छोटे और बड़े दुकानदार ग्राहकों तक सामान पहुंचाकर अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मास्क और सैनिटाइजर की जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि सरकार ने इन चीज़ों को आवश्यक वस्तुओं की सूची में डाल दिया है। दरअसल आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी वस्तु को जिसे वह जरूरी समझे आवश्यक वस्तु की सूची में डाल सकती है। मसलन चीनी, दाल, खाद, पेट्रोलियम, खाद्य तेल आदि आवश्यक वस्तुओं के उदाहरण हैं। इसके तहत आवश्यक वस्तु का निर्दिष्ट मात्रा से ज़्यादा स्टॉक करने पर कार्रवाई की जाती है। एक ऐसे समय में जब मास्क और सैनिटाइजर की भारी ज़रूरत महसूस की जा रही है, तब इनकी कालाबाजारी सामाजिक कर्तव्य से दूर भागने जैसा है। ऐसे में सवाल है कि आगे की राह क्या हो।
अमूमन जब कोई आपातकाल की स्थिति आती है तो सभी उम्मीदें शासन प्रशासन से ही की जाती हैं। एक नागरिक के तौर पर हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाते, जबकि कोई भी परियोजना या अभियान सिर्फ सरकार की कोशिशों से कामयाब नहीं हो पाते। इनकी कामयाबी के लिए सिविल सोसाइटी के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस विश्वव्यापी महामारी को बिना सिविल सोसाइटी की मदद के मात नहीं दी जा सकती। समझने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी असुरक्षाओं और संकीर्णताओं के बरक्स हम छोटी मोटी उदारता और थोड़े बहुत प्यार व सहानुभूति के लिए अपने दिल में गुंजाइश बनाए रखें तो इस महामारी का सामना करना काफ़ी आसान हो सकता है। अपने आसपास के ज़रूरतमंदों का ख्याल रख सकें, उनकी अनिवार्य ज़रूरतों को अपनी सहूलियतों के मुकाबले तवज्जो दे सकें। खुद की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए किसी की ज़िंदगी के बचाने के मौक़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना हो सकें तो कोरोना से उपजी चुनौतियाँ जल्द ही ख़त्म होंगी। जिस सोशल मीडिया के जरिए अन्ना आंदोलन का प्रचार, निर्भया कांड के बाद यौन हिंसा के खिलाफ एक सफल आंदोलन, रोहित वेमुला प्रकरण पर छात्रों की लामबंदी जैसे प्रयोग सफल रहे, वही प्लेटफॉर्म महामारी के खिलाफ मुहिम को कमजोर करने पर तुला है। संदिग्धों के क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया पर कई भ्रांतियां फैलाई गईं, जिससे लोग अपनी बीमारी को छुपाने में लगे हैं। जाहिर है इससे महामारी को रोकना मुमकिन नहीं हो सकेगा। समझना होगा कि राष्ट्र निर्माण में एक इकाई के तौर पर हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वह मजदूर हो या कोई व्यवसायी, चाहे डॉक्टर हो या इंजीनियर। सभी को राष्ट्र और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की ज़रूरत है। एक ऐसे समय में जब हर व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए इस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है, तब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इसमें अड़चनें आ रही हैं। मशहूर अमेरिकी लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। लिहाजा वक्त की नज़ाकत को देखते हुए एक जिम्मेदार सामाजिक प्राणी के तौर पर हमें देश हित में काम करने की ज़रूरत है। हमें लोकतांत्रिक, संवैधानिक और मानवीय मूल्यों को समेटते हुए आगे बढ़ना होगा। किसी भी देश या समाज की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ का नागरिक समाज कितना प्रगतिशील है। लिहाजा वक्त की मांग है कि हम सभी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर देश हित में अपना योगदान दें। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, COVID-19 के विरुद्ध लड़ाई के मद्देनजर भारतीय समाज की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, साथ ही इस विषय पर अपना पक्ष रखिए।